हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीटी जीटी पीजीटी के फॉर्म से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप भी यूपीटी जीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज लाई जा रही हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 को आधार बनाकर बनाई गई हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि मैम फॉर्म के स्टेटस को कैसे चेक करें, या फिर फॉर्म के स्टेटस में जो दिखा रहा है, जैसे कि अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, किसी का नॉट फाउंड दिखा रहा है, किसी का प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखा रहा है और किसी का तो रिजेक्टेड दिखा रहा है। देखिए, जिनका रिजेक्टेड दिखा रहा है उनका तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, वो आप सभी जानते हैं। बट उसके अलावा आप में से जिनका भी नॉट फाउंड दिखा रहा है या अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है या फिर प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखा रहा है, तो आप सभी का जो है, या फिर इनवैलिड डेटा दिखा रहा है तो आप सभी का जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, क्योंकि इनवैलिड डेटा और नॉट फाउंड वो सर्वर की दिक्कत की वजह से दिखा रहा है, और अंडर प्रोसेसिंग और प्रोविजनली एक्सेप्टेड वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबका तो 100% जो है, अगर कोई आपने कोई बहुत मेजर मिस्टेक नहीं करी होगी तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ऑलमोस्ट एडमिट कार्ड सभी का आता है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भले थोड़ी दिक्कत हो जाए, अगर आपने कोई मेजर प्रॉब्लम कर दी है या मेजर कोई गलती कर दी है तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दिक्कत होता है, तो आप उसके लिए एफिडेविट वगैरह बनवा सकते हो। बाकी अगर रिजेक्टेड है तो केवल उस केस में आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बाकी अदर केस में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आप सिर्फ अपनी बेहतर तैयारी पर ध्यान दें। नमस्कार।